हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का मैच हमारे यहाँ पे होने वाला है राजस्थान वर्सेस एमआई की टीम, जहाँ पे आपको पता है जो एमआई के कप्तान साहब है काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। अब वो तो अभी यहाँ पे अहमदाबाद में आप बोल सकते हो, जहाँ अभी वहाँ पे जहाँ की था वानखेड़े में बाकी है, ठीक है। अब देखना होगा क्या हाल होता है यहाँ पे वानखेड़े पे, बट उम्मीद ये है कि लोग अब समझ चुके होंगे थोड़ा सा, अब ज़्यादा ट्रोल ना करें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको हमारी जो फाइनल टीम है ना, जो अभी तक आप देख रहे हो विनिंग चल रही जबरदस्त आईपीएल की, और टीम आपको सारी मिलेंगी टेलीग्राम पे, फ्री टीम मिलेंगी, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको ज्वाइन पता कैसे होना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहाँ पर आपको जो लिंक मिलेगा उसी से आपको ज्वाइन होना। अगर आप सर्च वगैरह करके जाओगे तो हो सकता है आप गलत चैनल पर घुस जाओ, जो इसी के नाम से खेल स्टेशन के नाम से आपको थोड़ा सा प्राइम वगैरह बेचे। और आपको पता है गाइस, खेल स्टेशन आज तक इतना टाइम हो गया, एक रुपया नहीं लिया किसी टीम के लिए, ठीक है। जो भी आपको सारी फाइनल टीम्स हो, चाहे अपडेट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको सब वहाँ पर मिलेगा फ्री में। सो आपको जुड़ जाना है बस, और एक छोटा सा काम और करना जो उन्होंने अभी तक नहीं करा है। सो गाइस, जैसा आपको पता है हमने जो रखा है हमारा आईपीएल का टारगेट, आपको 20K तक इसको क्रॉस कराना है हमारे यूट्यूब चैनल को। और ये क्रॉस कौन करा सकता है, आप ही लोग करा सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को, अपने 3 दोस्तों में, बाकी जो भी रहता है वो आपको पता ही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक लाया हूँ चीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। सो गाइस देखो, कुछ लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी पे यहाँ पे बिलीव करते होंगे, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो हमारी प्रिडिक्शन है ना, वो हमारे एक भाई साहब करते हैं, और वो मैं आपको सारी टिप्स है ना इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। अब आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाओगे तो गाइस वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे वहाँ पे एकदम जुड़ जाओगे, और वहाँ पे आपको डेली की जो विनर प्रिडिक्शन है वो आपको पता चल जाती है। उससे आपको हेल्प क्या होती है, आपका मैच विनिंग जो टीम है ना वो आपको बनाने में हेल्प हो जाती है। जैसे आपको पता है कि आज जैसे सीएसके विन कर रही है, चलो फॉर एग्जांपल आज के मैच का लेते हैं, एमआई आज यहाँ पे विन कर रही है। सो अब जब आपको पता है एमआई विन करेगी, तो एमआई अगर पहले बैटिंग करेगी तो अपनी बैटिंग के दम पे करेगी, अगर पहले बॉल करी तो अपने बॉलर्स के दम पे, तो आप वहाँ पे उनको सीवीसी करोगे। तो यहाँ पर कोई हेल्प करती हो आपकी प्रिडिक्शन, बाकी और चीज़ों पर आपको नहीं घुसना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, ये सारी आपके लिए डिटेल्स हैं, ये चीज़ आप हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे जुड़ जाना, सबसे पहले बात करूँगा हमारी आज की पिच की। तो दोस्तों, ये हमारा वानखेड़े पे खेला जाएगा। अब यहाँ पे को एक ट्रेंड यहाँ पे नोटिस करना, ये चीज़ हुआ, ये वाला नहीं हुआ, उसके बाद में ये वाला चीज़ हुआ, ये वाला चीज़ हुआ, तो यहाँ पर को 4 में से जो 3 मैच वो यहाँ पर चेज़ हुए। अब उसके अपने स्टैट्स की तरफ भी चल लेते हैं थोड़ा सा। मेजोरिटी देखो क्या है, यहाँ पे 61 मैच यहाँ पे चेज़ हुए हैं, जबकि 50 मैच बैटिंग फर्स्ट वाले, तो यहाँ पर को भी चेज़ विन कर रहा है। अब देखो, एक आध मैच तो खैर बैटिंग फर्स्ट वाले विन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको मेजोरिटी लेके जानी है चेजिंग वाली टीम, जो भी यहाँ पर को चेज़ करेगा वो यहाँ पर को हमारा फेवरेट बनेगा। अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की। सो यहाँ पे बैट फर्स्ट वाली टीम, अगर आप देखोगे यहाँ पर को जो स्कोरिंग पैटर्न 150 के नीचे 26 बार रखती है, 150 तरफ, फिर यहाँ पे 26 बार है, फिर यहाँ पे 170 to 190, 34 टाइम, 190 का अगर ऊपर जाते हो तो आपको 25 टाइम्स स्कोर देखने को मिल जाता है। सो स्कोरिंग में कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं है, बस एक मेजोरिटी आपको 170 to 190 में मिलती है। बात करते हैं यहाँ पे लास्ट के जो 4 मैच हुए, 25 विकेट यहाँ पे मिले पेसर्स को, उसके बाद में 16 विकेट यहाँ पे मिले स्पिनर्स को। बाकी अगर देखोगे एवरेज स्कोर और हाई स्कोर बस होता है कि थोड़ा सा लुभा होने के लिए, ठीक है, आरसीबी ने यहाँ पे हाई स्कोर करा है, ऐसे चमत्कारी काम वही करती, चाहे 49 हो चाहे 263, अब तो 263 भी नहीं है उनके नाम, लेकिन उनके नाम अभी भी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं ना जो अभी तक ना तो भी किसी के पास होंगे, और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। ओपनिंग पार्टनरशिप के उनके पास ऐसे रिकॉर्ड है, पार्टनरशिप के यहाँ पर आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मुंबई का पिच है, देख लो कितने पिच है, 1 2 3 4 5, और ये छेड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये पिच हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि कौन सी वाली पिच यहाँ पे यूज हो रही है कहाँ पर, ये पता है सारे 1 घंटे पहले बदलता है, और इस सब मैं आपको टेलीग्राम पर बताता हूँ। सो अब यहाँ पर देखो, 21 मई को जो वहाँ पे मैच हुआ 2023 में, यहाँ पे स्पिनर्स को बस 1 विकेट मिला, इसके बाद में 3 विकेट मिला। अभी वाला मैच में गिन ही नहीं रहा हूँ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के मुताबिक नहीं चला, ये यहाँ पर को अपनी मनमर्जी करी इसने, हमको चलाना था चेस, यहाँ पर को बैटिंग फर्स्ट वाली विन हो गई। आप यहाँ पे देखोगे स्पिन भी यहाँ पे काफ़ी काम अच्छा कर रहा है। सो जहाँ पर को चीज़ें उल्टी जाएंगी ना, पूरी तरीके से उल्टी जाएंगी। अब यहाँ से आप देखोगे पेसर्स को 5/2 और स्पिनर्स को एक कॉमन भी यहाँ पर विकेट मिला, 2-2 विकेट 1 इनिंग में। अब इससे बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको नजर आएंगे हमारे हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स। हेड टू हेड में आप देखोगे 15 बार यहाँ पर जीती है एमआई और 12 बार यहाँ पर जीती है आरआर, लेकिन ये 15 बार कब था, जब कप्तानी थी इन भाई साहब के हाथ में, ठीक है। अब जो कप्तानी वो चेंज हो चुकी है, देखो कैप्टनसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लोग कहते हैं ना कैप्टनसी मैटर नहीं करती, कई बार जो आपके डिसीजन है ना वो भी यहाँ पे मैटर करते हैं, और कई बार आपका लक भी मैटर करता है। अब जो डिसीजन है वो कर रहे हैं हार्दिक पांडे के, उसमें मैटर लक आपका करता है, विराट कोहली के उसमें मैटर। अब आप ये नहीं बोल सकते विराट कोहली कप्तानी खराब है, उसका बंदा मतलब
आपने देखी होगी जब टेस्ट हमारी टीम इंडिया की टीम जब वो कप्तान था पूरी टीम यहाँ पे एग्रेशन में रहती थी ठीक है। उसके बाद में स्लेजिंग तो ऑस्ट्रेलियन तो भूल ही जाओ, वो अपने घर पे स्लेजिंग करना भूल गए थे। सो अभी ये बात करते हैं यहाँ पर को हमारी जो लास्ट के 4 IPL के मैचेस खेले गए, 13 विकेट जो निकाले यहाँ पे राइट आर्म फास्ट मीडियम ने या फिर मीडियम फास्ट आप बोल सकते हो और लेफ्ट आर्म ने भी यहाँ पे निकाले हैं। और कुछ यहाँ पे विकेट मिले हमारे लेग ब्रेक बॉलर्स को भी, तो स्पिनर्स को मैं अवॉइड करूंगा लेकिन अगर आप 1-2 विकेट के लिए जा रहे हो तो लेग ब्रेक के साथ आप जा सकते हैं। इसके बाद और एक चीज़ और जो आप आज सोच रहे हो ना, बड़े बड़े प्लेयर्स आज चलेंगे ठीक है जिनका सिलेक्शन 80% होगा, वो मैं आपको 3-4 प्लेयर बताने वाला हूँ और ड्रॉप करने हो आपको ठीक है। अब वो कौन से बताऊंगा अभी पूरा वीडियो देखो आपको समझ आएगा। अब मैं ऐसे ही से बता दूँ तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप ड्रॉप कर देंगे उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा ठीक है। मैंने आपको बताया बैट्समैन लेकिन उसको आउट कौन करेगा, वो बॉलर आप लोगे ही नहीं, फायदा नहीं है ना। तो इसलिए पूरा वीडियो देखो अच्छे से। आपको एक जो लास्ट यहाँ पे ड्रीम टीम बनी थी जायसवाल यादव और डेविड वर्मा था, सूर्यकुमार यादव की जगह पे कोई एक प्लेयर को लेना, ब्रेविस अगर वहाँ पे आएगा तो उसको आप बैक कर सकते हो। एक टीम ऐसी यहाँ पे बना के चले जाना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इतिहास है ना वो दोबारा से फिर वहाँ पे पन्ने पलटते हैं, इस तरीके से वहाँ पे होता है। अब बात करते हैं लास्ट के जो वहाँ पे हेड टू हेड के मैचेस हुए, रोहित शर्मा यहाँ पे फ्लॉप है देख रहे हो, 2 मैच यहाँ पे फ्लॉप है। इसके बाद जायसवाल ने भी कुछ खास यहाँ पे रन नहीं बने, 1 बार 32 है 1 बार 12 है। सैमसन यहाँ पे 3 रन है, 1 बार भी आप देखो 42 रन है, बाकी यहाँ पे 1 बार 18 रन है, यहाँ पे भी फ्लॉप रहा है ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो बड़े बड़े प्लेयर्स फ्लॉप हैं, बाकी अभी आगे चल के ये तो कुछ भी नाम नहीं है, वो ऐसा नाम बताने वाला हूँ सबके कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे रहेंगे ठीक है। इसलिए आप बोल रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े नाम भी फ्लॉप हो जाते हैं, जैसे आज रचिन, रविंद्र, ऋतुराज, गायकवाड़, ये हुए ना। इसीलिए अब बात करते हैं हमारी की रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से सैमसन मुलानिया, पीयूष चावला, क्विंटज़े, जसप्रीत बुमराह एंड मफांगा। अब मफांगा एक न्यू प्लेयर है ठीक है, और उसको अंडर 19 में उसने अच्छा काम करा है। अब ये नहीं कि आप अंडर 19 का बेस्ट बॉलर है उसको आप उठा के रख दो वहाँ पे IPL में, लो भाई तू अब वहाँ पे झेल। हेड जैसा प्लेयर जो हाँ इंडिया से पूरी जो टीम इंडिया वहाँ पे फॉर्म में चल रही थी ठीक है, 10 के 10 मैच विन करके आ रही थी। ऐसा भी नहीं कि एक आध प्लेयर भी यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म चला, पूरे 10 के 10 प्लेयर वहाँ पे फॉर्म में थे। कोई आई थिंक सूर्यकुमार यादव वहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म था, बाकी के 10 प्लेयर सारे बॉलर ठीक है, वो उनसे वहाँ पे वो कप जीत गया। तो ये मफांगा क्या चीज़ थी ठीक है। सो अब इसको पता चल गया होगा भाई साहब उसका आगे बॉलिंग कराना टफ टास्क है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं ईशान किशन, रोहित शर्मा, दोनों को बैक करो, वानखेड़े का ग्राउंड है, दोनों यहाँ पे चलेंगे, मस्ट पिक है यहाँ पर को ठीक है। 80% ये भी, 95% ये भी। तो अब आप सोचोगे ये हो तो मैंने नहीं बोला ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप वाले ही बताऊंगा, उनका सिलेक्शन 80% ही हुआ है ठीक है, 80 से कम नहीं हुआ है। इसके बाद करते हैं यहाँ पे तिलक वर्मा, तिलक वर्मा भी यहाँ पे लेके जाओगे ये मस्ट पिक रहेगा। सबसे पहले समझ लो जो मेरी प्रिडिक्शन है आज की, वो मेरे को लगता है यहाँ पर कोई MI विन है, बट आपको एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाना है तो वहाँ पे इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद करते हैं नमन धीर की, तो नमन धीर को मैं ड्रॉप करूंगा आज के मैच में। आप देखो सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर कोई अभी नया प्लेयर है आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते तो स्मॉल की टीम में ठीक है। बाकी स्टैट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख लो, मैं आपको लॉजिक यहाँ पे समझाने हम ठीक है। इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या की, 75% सिलेक्शन इसका। अब अगर देखो यहाँ पर ये चौथे नंबर पर बैटिंग आता ना, मैं इसको अभी भी कैप्टन करता, मैं इस पर अभी भी भरोसा कर रहा हूँ ठीक है। रीजन देखो क्या है, ये नंबर 4 पर बैटिंग करने आना ना, अगर ये औकात के हिसाब से जीतना इसका कैलिबर है ना, देखो बंदे में कमी नहीं है। और आपको बता दूंगा इस जब भी टीम इंडिया सिचुएशन में फंसती थी ना, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर कोई ये भी होता था निकालने वाला, ओनली विराट कोहली नहीं, विराट कोहली तो खैर था ही, ये भी था, मैंने बहुत बार गाइस यहाँ पे नोटिस करा है। इवन अगर बात करूँ स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ ना, तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, कैलिबर जबरदस्त बंदे हैं, लेकिन वो है कि अभी कैप्टनसी भी है, फिर सोशल मीडिया पे आप देखोगे फर्क पड़ता है मेंटल हेल्थ और बाकी। इसकी पोस्ट मैच की जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वहाँ से पता चल रहा है कि यार बंदा थोड़ा सा फेकनेस, मतलब वो दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ लेकिन अंदर से खुश नहीं है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ ठीक है। अभी यहाँ अगर थोड़ा सही यहाँ पे कप्तानी यहाँ पे थोड़ा ठीक ले, रोहित वहाँ पे रोहित शर्मा से उससे पूछ ले, हेल्प ले ले, देखो वहाँ पे सब बताने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। टीम डेविड की बात करूँगा, टीम डेविड का यहाँ पे इसका बैटिंग काफ़ी ज़्यादा लेट है, अब डेली वो इस तरीके से बैटिंग नहीं करेगा, ये भी आपको पता है, स्पिन के आगे वो फंस जाता है। और अब आगे चलते हैं यहाँ पर को सैमसन लानी ड्रॉप करूंगा। पीयूष चावला, अब देखो पीयूष चावला क्या है, वो 1 विकेट लेगा, पीयूष चावला इसको अंकल बोलेंगे हम ठीक है, पीयूष अंकल हमारे, ये 1 विकेट लेंगे लेकिन वो 1 विकेट इतना क्रूशियल होगा, वो सामने वाली टीम की पूरी कमर तोड़ देगा, पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा वहाँ से। सो इसलिए वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है लेकिन टीम के लिए बहुत जरूरी है इनका विकेट। अब बात करते हैं यहाँ से क्विंटज़े एंड बुमराह, क्विंटज़े भी मेरे लिए यहाँ पे मस्ट पिक रहेंगे 45%। इसके बाद अगर बात करें बुमराह की, बुमराह गाइज आज आपके लिए मस्ट पिक यहाँ पे रहनी चाहिए, इनके अगर मैं मैचअप्स की बात करूँगा आधी टीम कोलैप्स करके जा रहे हैं आज। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आपको नजर आएंगे यहाँ पे मफांगा, मफांगा भी मैं ड्रॉप करने वाला हूँ।
अब यहाँ पे देखो इंपैक्ट प्लेयर में ब्रेविस एंड रोमेरियो सेफर्ड आपको नजर आएंगे, मोहम्मद नबी भी हैं, नेहल वधेरा को भी यूज कर सकते हैं। बात आती है बैटल्स की, तो बैटल में देखो तिलक वर्मा को यहाँ पे दिक्कत किससे, सॉरी यहाँ पे रोहित शर्मा को पहले देखते हैं, संदीप शर्मा से दिक्कत ही है। संदीप शर्मा मेनली यहाँ पे आउट कर लेते, लेकिन एक चीज़ आप, संदीप शर्मा आपको ओवर कौन सा कराएगा, पावर में बस एक ही ओवर यहाँ पे आपको कराते हुए नजर आएगा, बाकी आपको डेथ में आपको नजर आएगा। इसके बाद कहूँगा अश्विन से, अश्विन यहाँ पे आएगा नहीं इतनी जल्दी। फिर यहाँ से बात करें आवेश खान, आवेश खान चेन को दिक्कत हुई, दो बार आउट हुए, ठीक है। ट्रेंड बोल से मेरे को नहीं लगता आज यहाँ पे दिन को दिक्कत होने वाली, बस एक आवेश खान से इनको बचना होगा। ट्रेंड बोल गाइज ये समझ लो बस हाइप में यहाँ पे लोग बोलते हैं ट्रेंड बोल यहाँ पे खा जाएगा, बाकी आपने देखा होगा अभी जो वर्ल्ड कप वाला मैच हुआ था हमारा, ठीक है ओडीआई वाला, वहाँ पे भी खाली हाइप बनाया था, ट्रेंड बोल वहाँ भी फ्लॉप ही रहा था। तो ट्रेंड बोल का फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा, आउट ऑफ फॉर्म चला बंदा। यू चहल की बात करूंगा तो वहाँ पे आउट करा है लेकिन वहाँ पे रन्स भी खाए हैं, तो मेनली आवेश खान से थोड़ा खतरा बन सकता है। बाकी अगर बात करूँ अश्विन की, तो अश्विन ने यहाँ पे तिलक वर्मा को आउट कराया। ईशान किशन की बात करूँ सेम नाम संदीप शर्मा दोबारा से आता है, अश्विन के आगे रन बनाए हैं, ट्रेंड बोल्ट के आगे दो बार आउट हुआ है, यू चहल ने तीन बार आउट कराया पे ईशान किशन को। इसका हार्दिक पांडे की बात करूँ संदीप शर्मा को आप नजर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे संदीप शर्मा बहुत ही कॉमन नेम है, सिलेक्शन आई थिंक 5% या 10% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अश्विन की बात करूँ दो बार आउट करा है, ट्रेंड बोल्ट ने एक बार आउट करा है, एंड यू चहल ने इनको तीन बार यहाँ पे आउट करा है। अब बात करते हैं फिर यहाँ से आगे, अब आपको यहाँ पे नजर आते हैं टिम डेविड, टिम डेविड ने यहाँ पे टिम डेविड को आउट करा, वहाँ करा है चहल ने, तो चहल और एक और कॉमन नेम आपके पास आया कौन सा, संदीप शर्मा। इन दोनों को नाम को गलती से भी यार ड्रॉप मत कर देना। चलिए बात आती है अब गिवे की, सो गिवे में आपको बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इन बोथ इनिंग, ठीक है ये आपको बताना है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फॉल इन बोथ इनिंग, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार, इसको तो यहाँ पे सब लोग दे देंगे और आंसर सभी लोगों को देना है, ठीक है। और अपने साथ साथ अपने तीन दोस्त शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस गिवे में पार्टिसिपेट कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर देना और गाइस बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं आरआर की प्लेइंग 11। सो यहाँ से आपको जयसवाल, बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, हेटमायर, ध्रुव जुरेल, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा, रविचंद्र अश्विन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से बात आती है जयसवाल बटलर की, इसका तो सिलेक्शन कम हो गया, इसका कम कैसे हो गया सिलेक्शन, ठीक है चलो कोई नहीं, 87 इसको ड्रॉप करा देते हैं, इसको फ्लॉप करा देते हैं आज, ठीक है। ये प्लेयर है आज फ्लॉप, यशस्वी जायसवाल, बस इतना बहुत आगे बताऊंगा कहानी पूरी। अब बात करते हैं फिर बटलर की, बटलर के आगे यहाँ पे देखो गाइस इसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 रन तो कम से कम कर लेगा, ठीक है 25 रन, इससे ज़्यादा 30 के ऊपर के मैं इसकी लिमिट यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। बात आते हैं संजू सैमसन, ये बंदा भी फ्लॉप है, जो जो फ्लॉप लिखते जा रहा हूँ वो अपने पास ही नोट कर लेना, फिर मेरे को कल को कमेंट करके बताना मेरी कितनी प्रेडिक्शन पास रही, कितनी यहाँ पे चली या जो भी है, ठीक है। उसके बाद में रियान पराग हमारे लिए रहेगा मस्ट पिक, और इसको मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ आरआर नंबर 4 पे इसको यूटिलाइज करिए। अभी जब कोई बॉलिंग बाकी है, जितनी बॉलिंग कराएगा ना सबका कैप्टन होगा, आपके पास सभी मौका है कैप्टनसी, अगर ट्राई करना चाहते हो कर लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके जो टॉप ऑर्डर है ना वो दो प्लेयर यहाँ पे आपके आउट कर दिए हैं, फ्लॉप कर दिए। सो इसलिए मेरी प्रिडिक्शन में रियान पराग ऐसा कैप्टनसी एक ऑप्शन बन सकता है, हेटमायर ड्रॉप रहेगा, ध्रुव जुरेल आज यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहो तो मस्ट पिक यहाँ पे होगा आपकी टीम के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सो आपके पास अब यहाँ पे नजर आएंगे हमारे जो प्लेयर्स रविचंद्र अश्विन यहाँ पे देखो अगर जल्दी गिरता है यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर तो वहाँ पर एक ऊपर बैटिंग करने आ सकते हैं, लेकिन संदीप शर्मा अभी आपको बैटल वाला मैंने दिखाया था ना, संदीप शर्मा क्यों इतना क्रूशियल है, खली अहमद के बारे में बोला था कमेंट करके उन्होंने बताना, सही सही बताना जिन्होंने कल वीडियो देखा है, खली अहमद के बारे में कितना चिल्लाया था यहाँ पे, अच्छे से आपको बताया, इसको आप वाइस कैप्टन करके जाना, विकेट टेकिंग बॉलर है, दो दो तीन तीन बार दोहराया भी था, एक बार वहाँ पे आया तब भी दोहराया, फिर जब टीम बना था तब भी आपको वहाँ पे समझाया था, उसके बाद में नहीं लेके जा रहा, तो गाइस फिर आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब संदीप शर्मा के बारे में आज बता रहा हूँ, 5% सेलेक्शन है, अभी मौका उठा फायदा है, उठा सकते हो उठा लो, फिर यहाँ पे जब सिलेक्शन बढ़ जाएगा ना फिर कॉमन पिक बन जाएगा, फिर आपका फायदा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ से आवेश खान मैं फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात आ रही ट्रेंड बोल्ट, बोल्ट देख लो लास्ट के 5 मैचें 3 मैचें विकेट लेस किया है, ठीक है अब एक मैच और विकेट लेस ले जाएगा, लेकिन अगर आपने ड्रॉप करा होगा तो आपको एक प्लेयर की जगह बच जाएगी, ठीक है, वरना आप ट्रेंड बोल्ट बेफालतू में ले लोगे, पॉइंट तो देके कुछ जाएगा नहीं, वानखेड़े पे मैच है, रोहित शर्मा ईशान की तरह जल्दी आउट नहीं होंगे। बात करते हैं फिर यहाँ पे यूजीएल की, यूजीएल आपको मस्ट पिक लेके जाना है, ऐसा विकेट टेकिंग बॉलर आपको मिल जाता है, ठीक है ये हमारी टीम में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से देखो इंपैक्ट में हमारे पास रोमन पोवेल है, नांद्रे बर्गर आपको नजर आते हैं। अब आता थी बैटल की, अब देखो बैटल जायसवाल चलो मान लेते पांड्या पहले आएगा, इससे बच गया, फिर बुमराह से कैसे बच पाएगा,
अब यहाँ पे देखो 5 बॉल 1 रन, 7 बॉल 1 रन, 1 बार आउट। चलो फिर अगर वहाँ पे रेमोनी सेफर्ड को भी बुला दिया, ठीक है, वहाँ पे भी देख लो 3 बॉल 1 रन 1 विकेट, किसी के आगे रन नहीं बने, तो इसीलिए वहीं पर आपको दिया था फ्लॉप है। संजू सैमसन दूसरा नाम फ्लॉप बताया था बुमराह के आगे, 1.25 का एक एवरेज मान के चलो, वहाँ पे 2 बार आउट है। हार्दिक पांड्या के आगे तीसरा यहाँ पे बना के जा रहा है, 2 बार आउट है। पीयूष चावला के आगे 2 बार आउट है, उसके बाद में श्रेयस गोपाल है नहीं, कार्तिक आपको है नहीं, सो यहाँ पे बुमराह के आगे फ्लॉप हो जाएगा मोस्ट पब्लिक, क्योंकि देखो यहाँ पे इनके रन्स आए ना वो कैसे है, इसको मौका मिला, अब यहाँ पे जब ये इसको आउट कर देगा सस्ते में, तो संजू सैमसन आ गया, जल्दी आ गया पावर प्ले में, और पावर प्ले में आपको पता है स्विंग बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर को, फिर ये संजू सैमसन भी जल्दी जाएगा। अब बात है बटलर की, बटलर 56 रन है, 2 बार आउट हुआ है यहाँ पे, पांड्या से 2 बार आउट हुआ है 55 रन, पीयूष चावला से 1 बार आउट हुआ है, कोहली से यहाँ पे 1 बार आउट हुआ है। फिर भी मैं सपोज कर रहा हूँ कि 25-25 का एवरेज है, तो इसीलिए मैंने बोला 25 रन तो बना ही देगा कम से कम। हैप्टमायर इसको तो मैं कुछ शक्ल देख के 26 सा लगता है, वैसे मैं इसको फ्लॉप समझ रहा हूँ। बुमराह के आगे 3 बार आउट हुआ है 9 रन पे, ठीक है, इससे इसके आगे 5 रन का आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा, हर एक में बार भी देखो 3 का यहाँ पे एवरेज है, तो इसलिए इसके लिए बुमराह काफ़ी है, और बुमराह आज के मैच में इससे बड़े वाइस कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। सो आपको एक बार और बोलूंगा कि जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाओ, बाकी जो एस्ट्रोलॉजी वाली हमारी मैच प्रिडिक्शन आएगी उसके लिए आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से चलिए बात करेंगे आगे, तो आपको अब करना क्या है, यहाँ पे देखो टीम है फिलहाल, अभी मैंने बस सेफ के लिए यहाँ पे रखा हुआ है बटलर, सैमसन, किसान किसान, रोहित शर्मा, जायसवाल, तिलक वर्मा, नवनदीप, रियान पराग, पांड्या, बुमराह एंड संदीप शर्मा, ठीक है। यहाँ पर कोई जायसवाल को मैं हटा के लेके जाऊँगा, यूजी चहल को, ठीक है, संदीप शर्मा मैंने ले रखा है, बाकी कैप्टनसी आप रोहित शर्मा एक अच्छा ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या अगर ऊपर आता है वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, रियान पराग जिसको कोई ट्राई नहीं करेगा, लेके सब आएंगे लेकिन ट्राई कोई नहीं करेगा, उसके बाद में वाइस कैप्टन के लिए शानदार ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।